जय हिंद दोस्तों, आज अपन पढ़ रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का दूसरा टॉपिक, फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं। दोस्तों जब चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल ई या विद्युत धारा आई उत्पन्न होता है, इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब सबसे पहले हुआ क्या कि इससे जो पहले का चैप्टर है उसके अंदर अपन ने डिस्कस किया कि जब किसी भी वायर के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों तरफ बी उत्पन्न हो जाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बच्चों उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी तरीके से फर्स्ट चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा कि कोई भी आवेश है, स्थिर आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है। एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। स्थिर आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, ये है अपना फर्स्ट चैप्टर। उसके बाद दोस्तों जब किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो जाता है। ये बात किसने बताई? ये बात बताई ओरस्टेड ने। किसने बताई? ओरस्टेड ने बताई। ओरस्टेड ने क्या कहा? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका परिणाम क्या निकाला? इसका परिणाम ये निकाला कि जब कोई आवेश स्थिर है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब कोई आवेश गतिशील है, कोई आवेश गति कर रहा है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, साथ में चुंबकीय क्षेत्र बी भी उत्पन्न होता है। अब ये बात अपने को ध्यान रखना है, ये तीनों बातें कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है। ओरस्टेड ने बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हो जाता है। इससे ही प्रभावित होकर फैराडे और हेनरी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, कुछ प्रयोग किए, और उसके आधार पर इन्होंने कहा, फैराडे और हेनरी ने क्या कहा कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल ई और आई उत्पन्न होगा, ये फैराडे और हेनरी ने बताया। अब इन्होंने किस तरीके से प्रयोग किए वही अपन पढ़ते हैं। दोस्तों फैराडे ने क्या किया, एक परिपथ लिया, परिपथ के अंदर एक कुंडली लगी हुई थी, कुंडली लगी होती है, और इसको अपन ने किससे जोड़ा, एक गैल्वेनोमीटर से। दोस्तों गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात करता है, इसके अंदर एक सुई लगी होती है जिसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, विक्षेप का मतलब वो इधर उधर चलती है, उसी से अपने को पता चलता है कि कितने विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। फिर इसके पास इसने क्या करा, चुंबक को लेके आया, ये चुंबक उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिण ध्रुव, ये था प्रयोग फर्स्ट। कैसे क्या किया अभी अपन समझेंगे इसको, प्रयोग फर्स्ट। दूसरा इसने दोस्तों क्या किया कि चुंबक को रिप्लेस किया एक दूसरे परिपथ से, इसके अंदर ये धारावाही कुंडली, ये पहला वाला ही है, फिर इसके अंदर क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया, ये गैल्वेनोमीटर, और इसके पास एक दूसरी कुंडली लेके आया या दूसरा परिपथ लेके आया जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। मैं एक बार कह चुका हूं कि इस कुंडली के स्थान पर आप क्या लगा सकते हैं, प्रतिरोध भी लगा सकते हैं, तब भी सही है। अब पहला प्रयोग क्या है और दूसरा प्रयोग क्या है और इसके रिजल्ट क्या है, निष्कर्ष क्या है, ये भी अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों ध्यान देना है, सबसे पहले क्या किया फैराडे और हेनरी दोनों ने मिलकर क्या किया कि एक परिपथ लिया जिसके अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, कोई सेल कनेक्ट किया ही नहीं तो विद्युत धारा कहाँ से प्रवाहित होगी। इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर जरूर लगा रखा है जो कि ये बताएगा कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। अब इसने क्या करा दोस्तों कि एक चुंबक लिया, छड़ चुंबक, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इसने क्या करा कि इसको सबसे पहले दूर रखा, इसको भी दूर रखा, तो इसने नोट किया कि धारा मापी के अंदर या गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। दोस्तों अपन सभी जानते हैं कि ये चुंबक है, चुंबक के आसपास क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब इसको इसके पास लाया गया, इसके अंदर अपेक्षित गति कराई गई, किसके सापेक्ष, चुंबक को गति कराई गई इस परिपथ के सापेक्ष, मतलब इसके पास लेके आए। ज़्यादा टफ लैंग्वेज के ऊपर ध्यान नहीं देना है,
आपको समझना है कि इस चुंबक को जब इसके पास लाया गया तो अचानक देखा फैराडे और हेनरी ने कि इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न हो गया, मतलब ये जो चुंबकीय सुई थी ये इधर ऐसे डिफ्लेक्शन होने लग गई या फिर इधर डिफ्लेक्शन होने लगा, मतलब चुंबकीय सुई इधर उधर घूमने लगी। बात समझ में आया? अब उसके बाद इन्होंने क्या करा कि इससे ये निष्कर्ष निकाला इन्होंने कि जब उत्तरी ध्रुव को पास ला रहे हैं, इसके आसपास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से इसके पास लाने से इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इसके अंदर विद्युत धारा की उत्पत्ति हुई। अब ये क्या किया, जब इसको वापस दूर ले जाया गया तो इन्होंने देखा कि इसके अंदर जो विद्युत धारा की दिशा थी इधर रिफ्लेक्शन आ रहा था, जब इसको दूर ले जाया गया तो वापस ऐसे हो गया, मतलब इसकी दिशा परिवर्तित हो गई। जब इसको पास ला रहे थे तो जिधर इस चुंबकीय सुई की या गैल्वेनोमीटर में लगे सुई की दिशा जिधर आ रही थी, दूर ले जाने पर उसकी विपरीत दिशा हो गई, मतलब इसकी दिशा भी इसकी गति के ऊपर निर्भर कर रही थी। फिर इसी प्रयोग को वापस दोहराया कि ये एक वापस यही कुंडली लिया, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर है, और दूसरा एक चुंबक के स्थान पर एक क्या ले लिया, एक परिपथ लिया जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, इसको दूर रखा तो वो का वो रिजल्ट आया जो इसको यहाँ दूर रखने पर आ रहा था, मतलब कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ। फिर क्या करा, इस कुंडली को इधर पास लाए, पास लाने पर देखा कि इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होने लग गया, विक्षेप का मतलब चुंबकीय सुई इधर उधर हिलने लग गई। फिर क्या करा इन्होंने कि इस विद्युत धारा की दिशा को बदला, अभी इधर प्रवाहित हो रही थी और जिधर यहाँ पे विक्षेप उत्पन्न हो रहा था, फिर इसके अंदर विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करी। दिशा परिवर्तित कैसे करी, ये इसका धन आयन इधर जोड़ दिया और इसका ऋण आयन इधर जोड़ दिया, तो इसकी दिशा किधर हो गई, इधर हो गई, इधर ये दिशा हो गई। तो इसमें अपने को क्या देखा कि जिधर पहले विक्षेप आ रहा था उसकी दिशा भी विपरीत हो गई, मान लो पहले इधर ये चुंबकीय सुई ऐसे बता रही थी तो फिर बाद में ऐसे हो गया गैल्वेनोमीटर की सुई। बात समझ में आया? इसके आधार पर अपन इस फैराडे और हेनरी ने कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या निकाले, निष्कर्ष। पहला पॉइंट लिखना है, अब इसको लिखना कैसे है वो भी बताऊंगा, पहले अपन समझ तो ले कि इसने क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले इसने बताया कि जब किसी परिपथ तथा चुंबक के मध्य अपेक्षित गति नहीं कराई जाती है या द्वितीय परिपथ को दूर रखा जाता है तब गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, यही बात अपन ने फर्स्ट में समझा था। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है तो जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है तो इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है तथा उसकी दिशा चुंबक के एस ध्रुव को पास लाने पर प्राप्त दिशा के विपरीत होता है। ये पॉइंट ध्यान से लिखना है, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पास लाया जाता है तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है जिसकी दिशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव को पास लाने पर प्राप्त दिशा के विपरीत प्राप्त होता है, मतलब एस ला रहे हैं या फिर इसको दूर ले जा रहे हैं तो उसकी विपरीत दिशा आएगी, दोनों की दिशा विपरीत आएगी। यही परिणाम तब भी प्राप्त हुआ जब चुंबक के स्थान पर किसी दूसरे कुंडली को, धारावाही कुंडली को पास लाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि परिपथ में या कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, द्वितीय कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान तथा दिशा पर निर्भर करता है, या ये चुंबकीय जो चुंबक है इसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रबल है, चुंबक कितना प्रबल है उसके ऊपर निर्भर करता है। अर्थात प्रथम कुंडली में या इस कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन पर निर्भर
करता है। जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना का उतना ही विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसने फिर फैराडे ने आगे जाकर इसके दो नियम दिए, ये निष्कर्ष हो गया है, दो नियम दिए जिसके अंदर इसने बताया कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। E इज इक्वल टू डी फाई बी, E इज इक्वल टू डी फाई बी अपॉन डी टी, इसके इक्वल होता है विद्युत वाहक बल E का मान। ये हालांकि अलग टॉपिक है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। फैराडे और हेनरी ने मिलकर जो प्रयोग किया वो ये है। अब इस प्रयोग को अपन लिखें कैसे सर? हाँ सर, समझ में तो आ गया है, अब इसको लिखें कैसे? तो अपन लिखेंगे, सर्वप्रथम ओरस्टेंड ने बताया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परंतु फैराडे और हेनरी ने अपने प्रयोग किए जिसमें बताया कि किसी एक चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति कराई जाती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। जब फिर ये प्रयोग के डायग्राम बनाना है दोनों का, प्रयोग फर्स्ट प्रयोग सेकंड, फिर ये डायग्राम बनाने के बाद आपको लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष आपको 1, 2, 3 तीनों एक एक बोल के लिखवाए हैं, अब रिपीट करके लिख लीजिएगा। दोस्तों इस चैप्टर के सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, इवन पूरे के पूरे सिलेबस के 12th के और न्यू सिलेबस NCERT 2021-22 के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाए जाएंगे, जो कि आपको बोर्ड में बहुत सारी हेल्प करेंगे। ये ऐसा कैसा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।